अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या होता है, अगर आपको आम के पौधा मरता है तो उसको बचाने का मैं जो आपको तरीका बतलाता हूँ, वो तरीका पूरी तरह से आप देखेंगे अपने चैनल पे, तो आपका हो सकता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका आम का पौधा में एक भी पौधा आपको नहीं मरेगा। तो जो मैं आपको तरीका बतलाता हूँ, वो तरीका आप शुरू से अंत तक लास्ट तक देखिए वीडियो को, अगर आप मिस करते तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो देखिए, आम के पौधे में मरने का जो तरीका रहता है, आमतौर पर दो रहता है, और वो दोनों में तरीका भी बतला दूँगा। तो देखिए, ये जो मेरा पौधा है, इस पर ही मुझे मरने की शिकायत था, तो ये मैं पौधा पूरी तरह से बचा लिया हूँ, और देखिए इसमें नया नया अब बड आना चालू हो चुका है। तो ये पौधा पूरा ही मरने के चांस पे था, अगर इसको थोड़ी दिन हम और छोड़ देते थे, पौधा पूरी तरह से मर जाता था, और मर ही जाता था, इसको फिर बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो तरीका मैं बतलाता हूँ, वो तरीका आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका आम का पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आम जो मरता है, वो पहला है वो आपका डाईबैक के कारण, और दूसरा है आपका फंगस के कारण। आमतौर पे यही दो कारण के पौधा मर जाता है। और ये मेरा देखिए कार्टिमोन का है, जो नया मैं लगा के आया था, नया ऑनलाइन लेके आया था। इसमें देखिए ग्रोथ कितना अच्छी तरह से चल रहा है, सिर्फ 8 दिन हुआ है प्लांट को अभी रिपोर्ट करते हुए, और ग्रोथ पकड़ लिया है। और इसी मिट्टी में फंगस पकड़ता है, आप देख सकते हैं जो मिट्टी है, इसी मिट्टी में आमतौर पर फंगस पकड़ने की समस्या रहता है, जिसके कारण पौधा मर जाता है। तो आपको मैं ये भी बतलाऊंगा कि इसे आप फंगस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और डाई बैग से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाता हूं। तो जब भी आपके आम के पौधे में फंगस लगता है, तो फंगस लगने का कारण होता है आपका पौधा जो होता है ग्रोथ रोक देता है। और दूसरी बात रहता है, जब आपका डाई बैग लगता है ना, तो आपको ऊपर से ही पौधा सूखना चालू हो जाता है। तो जब आपको पौधा ऊपर से सूखेगा ना, तब आपको क्या करना है, ब्रांचेस आपको कट करना है, यहाँ तक कट करना है जहाँ तक आप का जो ब्लैक स्पॉट अंदर नज़र नहीं आए। अगर जहाँ तक आपका ब्लैक स्पॉट अंदर तक नज़र आता है, वो पूरा का पूरा आपको हटाते जाना है। और जब आप देखेंगे जो एकदम क्लीन और सेफ हो चुका है, तब आपको उसको वहाँ से कट करके और फंगीसाइड का आपको घोल लगा के उस पर टिप कर देना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा आम का पौधा पूरी तरह से सूख रहा था ऊपर से, तो मैं यहाँ से कट कर दिया था। और कट करने के बाद देखिए मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आ चुका है, 5-6 दिन में देखिए नया नया जो बड है वो आना चालू हो चुका है। अगर मैं इसको कट नहीं करता था तो मेरा आम का पौधा में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, हो सकता है अभी तक मेरा आम का पौधा पूरी तरह से मर चुका होता था। तो मैंने जो बचाया आम का पौधा में, आप देखिए कट करके बचाया हूँ, और अब इसमें देखेंगे तो नया नया बड भी आ रहा है, और रिंग पे से भी बड आ रहा है, मतलब आप देखेंगे तो दूसरा बड भी इधर भी आ रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे तो जो रिंग रहता है वहाँ से भी बड आना चालू हो चुका है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इसमें से मुझे एक ये भी बेनिफिट मिल गया कि मुझे बहुत सारा ब्रांचेस भी मुझे नया नया मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरा पौधा भी अब पूरी तरह से बच गया और हेल्दी हो चुका है। अब ये पौधे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो अगर मैं छोरी भी मिस कर देता था तो मेरा इसमें प्रॉब्लम आ सकता था। अब देखिए, इधर से मेरा नया नया बड अभी आना चालू हो चुका है, आपको कैमरे में दिख नहीं होगा मगर आने की कोशिश में है और आ जाएगा, 8 दिन के बाद इस सब में बड आना चालू भी हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा जो तरीका बतलाता हूँ, जो दूसरा तरीका होता है वो आपके पौधे में आप फंगस से इसको कैसे बचा सकते। और देखिए, इधर से भी मेरा बड आना चालू हो चुका है, तो देखिए कट करना काफ़ी अच्छा हुआ मेरे लिए, और देखिए नया नया बड आ चुका है, मतलब एक प्लांट में मिनिमम अब 8 से 9 ब्रांचेस मुझे मिल भी जाएगा, और मैं कट कर दिया तो मुझे प्रॉफिट हुआ और मेरा प्लांट भी बच चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस आम के पौधे में, जब आपका आम के पौधे में फंगस लग सकता है लग जाता है तो उसको आपको कैसे बचाना है। तो जब आपके आम के पौधे में फंगस लगता है तो आपको क्या करना है, आपका थोड़ा सा ये जो लीव होता है ना, ये आपको जलना चालू हो जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगा। तो जब आपका आम के पौधे में फंगस लगता है तो आपको यहाँ से लेके मिट्टी आपको कट करना है, आपका जड़ से इतना से लेके आपको पूरा का पूरा इतना तक का मिट्टी हटा देना है इसमें से, और फिर इसको इधर से आपको हटा के ग्रो बैग में आपको हटा के फिर आपको क्या करना है, और जब इसको आप ग्रो बैग से इसको हटा देंगे जड़ से, तब आप इसको फिर एक बाल्टी लेना है, और बाल्टी में आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का आपका स्ट्रॉन्ग घोल बनाना है।
थोड़ा मोरा घोल बनाएंगे तो आपको प्लांट्स में जड़ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और फंगस नहीं मरेगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग घोल बनाना है और उसमें आपको 3 से 4 घंटे तक डिबा कर ही रख देना है। अब 3 से 4 घंटे तक आप पूरी तरह से डिप करके रख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नया मिट्टी लेना है, अच्छा सूखा हुआ मिट्टी, और उसमें हल्का सा गोबर की खाद लेके आपको प्लांट को फिर से रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको पानी देने के बाद मिनिमम 8 दिन आपको पानी नहीं देना है। आपको रोज़ाना बिल्कुल भी नहीं पानी देना है, सिर्फ आपको रिपोर्ट करते समय आपको थोड़ा सा पानी दे देना है। इसके बाद आपको पानी नहीं देना है, 8 दिन तक इसमें बिल्कुल भी कुछ भी पानी नहीं देना है। फिर इसको किधर रखना है, आपको ऐसा 6 जगह पर रख देना है जिसपे आपका धूप थोड़ा भी नहीं लगता हो। इस जगह पर मिनिमम आपको 12 से 15 दिन रखना पड़ेगा, फिर यह प्लांट ऑटोमेटिक आपका सर्वाइव कर जाएगा और आपका प्लांट फिर से एकदम हरा भरा भी हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका काफ़ी अच्छा है। अगर ये दोनों आप तरीका अपनाते हैं तो आपके आम के पौधे में हमेशा ग्रोथ भी रहेगा और जो आपका फंगीसाइड और डाइबैक का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। देखिए, मेरा एक कार्टिमोन का मैंगो का प्लांट जो अभी फ़िलहाल ही मैं ऑनलाइन मंगाया था, इसका ग्रोथ कितना अच्छा पकड़ लिया है। तो मेरे इधर जो भी प्लांट रहता है वो मिनिमम 5 से 8 दिन में इसका अपना ऑटोमेटिक ग्रोथ पे आ जाता है। और देखिए, मेरा ये प्लांट, शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ये प्लांट बच चुका है, ये भी ऑनलाइन ही आया था और इसको मैं बचा लिया हूँ प्लांट, तो मुझे काफ़ी अच्छा खुशी मिल रहा है। वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तरीका अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं अपने आम के पौधे में तो आपका 100% मैं बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आम के पौधा आपको बच जाएगा। ऐसा ही वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो दे